कोरोना वायरस के प्रवासियों के साथ अब तक सुरक्षित रहे पहाड़ी जिलों तक पहुंच जाने को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट सख्त रुख अपना रहा है। इस मामले में एक दिन बाद सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना वायरस अगर राज्य के गांव तक पहुंच जाएगा तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से पूछा है कि क्यों ना राज्य में आने वाले लोगों का रैपिड टेस्ट बॉर्डर पर ही हो जाए। कोर्ट ने दोनों सरकारों को इस बिंदु पर 18 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। आज दिए गए जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा। बता दें कि बीते बुधवार को इस मामले पर दायर एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने थर्मल स्कैनिंग को नाकाफी बताया था और केंद्र और राज्य सरकार से पूछा था कि क्या एंटीजन टेस्ट और रैपिड टेस्ट करवाए जा सकते हैं। आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि आईसीएमआर की जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार टेस्ट किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने जवाब में कहा कि उन्हीं लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं जिनमें लक्षण मिल रहे हैं और अन्य लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कर उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब दिया कि एंटीजन टेस्ट किट तैयार की जा रही है और उसके आने के बाद टेस्ट किए जाएंगे। कोर्ट ने दोनों सरकारों से पूछा क्यों ना सभी आने वाले लोगों के रैपिड टेस्ट हों, अगर अभी नहीं होंगे तो आने वाले दिनों में गांवों की दशा बुरी हो जाएगी। बता दें कि सच्चिदानंद डबराल ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा कि राज्य से करीब 40,000 बाहरी मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं और राज्य के बाहर से यहां के 2 लाख लोग वापस आना चाहते हैं। याचिका में कहा गया कि इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। याचिका में ये भी कहा गया है कि जो प्रवासी वापस आ रहे हैं उनकी जांच नहीं हो रही है, जिसके चलते पहाड़ी जिलों में भी कोरोना फैलने का खतरा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।